इसका रेट है 10 का 2, बहुत सस्ता है ये हर जगह से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो पापा और मैं जा रहे थे सुपेला, तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी वहाँ पे घुमा दिया जाए, क्या स्पेशल है सुपेला में दिखा दिया जाए। तो चलो गाइस चलते सुपेला और थोड़ा घूम के आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक के देखना, और वीडियो अगर पसंद आए तो फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब, ताकि और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो अब तक पहुंच जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग अभी है सेक्टर में, और सेक्टर में आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आई लव भिलाई लिखा है। तो गाइस देख सकते हैं, जैसा कि अभी हम आपको सेक्टर एरिया में जो व्यूज दिखा रहे हैं, और सेक्टर एरिया जो है काफी डेवलप हो चुका है दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो शहीद पार्क में आए थे, और उन्होंने वाटर फाउंटेन का जो उद्घाटन किया था, उसके बाद उन्होंने 10 करोड़ रुपए और सैंक्शन कर दिया है यहाँ पर, और डेवलप करने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। और काफ़ी साफ सुथरी जगह है दोस्तों, ये हमारे भिलाई क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा, मतलब ऑक्सीजन क्षेत्र है, ये ऑक्सीजन क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पर पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे हैं, और रोड भी अच्छी है, यहाँ की सड़कों पर हमेशा साफ सफाई चलती है। तो अभी हम दोस्तों जा रहे हैं पावर हाउस, और पावर हाउस का भी नज़ारा दिखाते हैं आपको, जो कि भिलाई स्टील प्लांट से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली ये सभी एरिया जो है भिलाई स्टील प्लांट से जुड़ा हुआ है दोस्तों, और भिलाई स्टील प्लांट जो है विश्व में हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा है। और इसे जैसे किसी क्षेत्र को बताया जाता है कि वहाँ पर क्या खास है, तो हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है, उसी के नाम से यहाँ छत्तीसगढ़ में काफ़ी रौनक रहती है और काफ़ी मान्यता है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ में जो भिलाई स्टील प्लांट है, उसके नाम से सभी लोग इस एरिया को जानते हैं, जो कि मध्य क्षेत्र में है ये छत्तीसगढ़। तो आइए दोस्तों चलते हैं पावर हाउस की सैर करने, और देखते हैं वहाँ क्या क्या है कॉन्टेंट। तो गाइस कमेंट में बताना आपको हमारे पापा जी का भाषण कैसा लगा। ये पागल है, पागल बच्चा। पागल नहीं हूँ मैं, पागल बच्चा है। गाइस वीडियो कैसा लगता है आपको हमारा, कमेंट में तो बता दे यार एक बार। और हम लोग इतने टाइम से यूट्यूब बना रहे हैं, ज्यादा टाइम जो है, फिर भी हमको अभी तक ग्रो कर जाना चाहिए, लेकिन आप लोग का सपोर्ट उतना नहीं दिख रहा, तो फटाफट से करो यार। भिलाई स्टील प्लांट का गेट नंबर 1 ये, हाँ इधर गेट नंबर 1 है। तो गाइस यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट का गेट नंबर 1 है, तो चलो आपको दिखाते हैं कैसा है। दिख रहा होगा आपको सेक्टरों को भिलाई स्टील प्लांट वाले साफ सुथरा रखना चाहते हैं, और इसलिए ये इतना साफ है, और इसको ऑक्सीजन जोन इसलिए माना जाता है, क्योंकि इसमें प्लांट्स भी बहुत सारे हैं। और ये सब जो देखभाल करता है ये भिलाई स्टील प्लांट का ही है। तो ये आ चुके अपन गेट नंबर 1। ये कितना दूर है, कितना लंबा है अपन वहां से स्तंभ। और ये तो देखो आप गेट। इसे बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू पथ, जैसा नाम दिया गया, जो पापा ने बोला वही बोलते इसको। मजाक के मूड में हो। ये ब्रिज नया बनाया ना पापा? ब्रिज नया बनाया, बस इसकी क्वालिटी सही नहीं है, बट इसे बीच में बंद कर दिया गया था, पता नहीं अभी चालू हुआ है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये चालू हुआ है, फिलहाल तो ये बंद ही है दोस्तों। क्वालिटी किस हिसाब से इसको बंद कर दिया? एक बार इसका ब्रिज का जो ये बीच का जो पिलर है वो गिर गया था। है ऐसा कैसन हो गया? अच्छा बनाते समय गिरा था, तो फिर वो मजबूत नहीं रहा होगा। मजबूत नहीं है, उतना कमजोर है, उसके हिसाब से कमजोर माना गया। तो गाइस इसे कमजोर माना गया है, बंद है। नहीं नहीं जा तो रहे हैं, जा रहे उधर तो एक, नहीं नहीं वो नीचे से गया। गाइस ब्रिज बंद है, आ तो रहे हैं, हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन खतरा नहीं उठाना हम लोग। तो चलो हम लोग एक बार ऊपर से चल के देखते हैं, हमारी गाड़ी से ज्यादा थोड़ी जाएगी। हाँ आपको एक बार इस ब्रिज के ऊपर से भिलाई स्टील प्लांट का नजारा दिखाते हैं। ये चलो
स्लिप ना हो करके ऐसा स्टिक बनाएंगे। अच्छा ऐसा है, ये देखो ज्यादा कुछ नजारा नहीं दिख रहा क्योंकि पेड़ वेड़ है, बस जो ऊपर लंबी लंबी पाइप है चिन्नी वही दिख रही हो गया, और कुछ नहीं दिखता भिलाई स्टील प्लांट के अंदर। अब मतलब क्या हुआ, अब वापस जाना पड़ेगा ना हम लोग को। गाइस पापा बोल रहे कि ये रोड कहाँ जाता है इनको मालूम नहीं है, लेकिन कहीं भी जाए घर ही जाएगा। सेक्टर एरिया में जाता है भाई। हाँ तो सेक्टर एरिया हम लोग का घर ही तो पड़ेगा वहां से भी, सेक्टर एरिया फिर दुर्ग। बस अब हम लोग वापस जा रहे हैं। एक मिनट यार मेरे को ये बताओ, जब इस ब्रिज में हम लोग को वापस जाना था तब हम लोग नीचे तक ही क्यों आए? नीचे तक इसलिए आया कि मैं इसका चेकिंग कर रहा हूँ कि एक्चुअली पूरा तरीके से बना है कि नहीं। आप कौन हो तो चेकिंग करने वाले? अरे तो हम अपने लिए चेक कर रहे हैं, किसी और के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कभी हमको आना पड़ा इधर से आने जाने के लिए रास्ता, तो रास्ते मालूम होना चाहिए कि ये रास्ता सही है आ जा सकते हैं। अरे तो ये तो पता ही है ना कि ब्रिज इधर से चढ़ेंगे एक तरफ उतरना है, पर हम लोग वापस उधर ही जाना था जहाँ से चढ़ा था। पहले ये बंद था ना भाई बीच में, एक बार तो आए होंगे? नहीं एक ही बार नहीं, आज पहली फर्स्ट टाइम चढ़ा हूँ। मैं खुद फर्स्ट टाइम चढ़ा हूँ, ये नहीं याद है तो मैं कहाँ से आया। मस्त है लेकिन ब्रिज, मतलब खराब है। गाइस ये देखो यहाँ पे शायद ट्रक व्रक आती है बड़ी बड़ी, यहाँ से सब सामान लोड होता है। हमारा नसीब देखो, हम जब भी जाते हैं रेलवे लाइन तरफ फाटक हमेशा बंद रहता है, पर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, वहां से ट्रेन आ रही है। ये पावर हाउस का बस स्टैंड है और हम लोग आ चुके हैं पावर हाउस, ये देखो। और यहाँ पे भी नया ब्रिज बन रहा है, ये तो बहुत बड़ा है यार, काफी बड़ा काफी हाइट, इतने हाइट से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या ही मजा व्यू आएगा यार। जल्दी से बने, ये इस ये जो आप ब्रिज देख पा रहे हो ये इसके ऊपर से जाएगा, इसलिए इसको हाइटेड किया गया है। मस्त है यार एकदम। देखो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, नाथूस की दुकान है, और ये जो रोड आगे जाता है नंदनी अहिवारा तक चला जाता है आगे, अहिवारा और इधर से भी बिलासपुर भी जा सकते हैं आगे से, इसी रोड से आगे चलते आएंगे तो बिलासपुर रोड भी मिल जाएगा। यहाँ पे भी ब्रिज है, यहाँ पे लगता है ना दुर्गा मैया गणेश जी दोनों बैठते हैं। देखो सुंदर सुंदर फ्लावर लगा है। वाओ गाइस हम मस्त है, यहाँ का भी एरिया अच्छा है बाजार करने के लिए, यहाँ पे भी बहुत सारे दुकान है अलग अलग वेराइटीज का। जस्ट सीधे दिख रहा होगा एसीसी सीमेंट फैक्ट्री, अच्छा वो जो दूर में दिख रहा है, ये देखो सामने दिख रहा होगा सीमेंट फैक्ट्री है एसीसी। गाइस वहाँ पे बहुत सारा समोसा भजिया था, मिर्ची भजिया था, आलू गुंडा था, बता क्या रहा हूँ मैं, वहाँ चलते सीधा और हम लोग सोचे कि खा लिया जाए थोड़ा मुंह का स्वाद बदले। हम भी टेस्ट देखते हैं, और भीड़ तो बहुत है यार, टेस्ट देख लेते हैं। ये देखो स्टॉक भी भर के रखा है अपने सामानों का, दो दो दुकानें किसमें जाएंगे अपन आगे वाले। देखो गाइस गर्मा गर्म निकल रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। इसका रेट है 10 का 2, बहुत ही सस्ता है ये हर जगह से। चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। हाँ बढ़िया बढ़िया है, क्रंची। ये देखो गाइस मेरा भी आ चुका है, चलो मैं भी टेस्ट करके बताता हूँ। तो चलो गाइस मैं टेस्ट करके बताता हूँ, देखो गाइस चटनी भी मिली है इसके साथ। ऐसा टेस्ट बढ़िया, तो चलो टेस्ट करते हैं फिर मिलते हैं। हाँ देखो गाइस गर्मा गर्म समोसे के साथ हमने गर्मा गर्म जलेबी भी ले चुकी है,
बहुत ही बढ़िया है, इसका टेस्ट भी बहुत गर्म है। गाइज एक्चुअली हम लोग को भूख लगा था, बहुत देर से घूम रहे हैं हम लोग, इसलिए अब पेट भर गया मस्त। हाँ 20 रुपये में बढ़िया था, 10 रुपये प्लेट है। 10 की जलेबी भी खा ली है, थोड़ा खस्ता नमकीन और थोड़ा मीठा मिक्सअप, बहुत बढ़िया इसका। गाइज इसके अंदर पावर हाउस का मार्केट है, ये देखो कुछ ऐसा है यहाँ का मार्केट, अलग अलग टाइप की शॉप्स है यहाँ पे, कपड़ों का मार्केट भी बढ़िया है। जो आप देख पा रहे बड़ी सी बिल्डिंग, ये टॉकीज था पहले, बंद हो गया अब। तो गाइज अभी ओवरब्रिज का काम चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बाजू में सेट्स लगे यहाँ पे, जो इसको बना रहे हैं, अभी तैयारी हो रही है, धूल ना उड़े इस साइड रोड की तरफ, इसलिए इसको ढक दिया गया है। अभी ये रेडी नहीं हुआ है पूरा, टाइम लगेगा लेकिन बनेगा तब अच्छा लगेगा बहुत। छत्तीसगढ़ भी एक डेवलप्ड सिटी बन जाएगा कुछ ही टाइम में। ये देखो गाइज ये मारुति का शोरूम है, ये यामाहा एक्टिवा होंडा सिटी, होंडा हमारा गाड़ी का शोरूम कहाँ है, क्या नाम है उसका, होंडा ही शिवनाथ बाजार से पूरा लाइन से। हाँ यहाँ पे लाइन से शोरूम है, जो हमारे पास पहली वाली वैगनार थी ना, वो हम लोग वो जो मारुति का शोरूम था वहीं से लिए थे। ये देखो ये क्या नया बाइक निकला यार, यहाँ पे देखिए गाइस ये रहा हुंडई का शोरूम, यहाँ से हमारी कार, हमने एक बाइक की थी होंडा की ग्रैंड i10, अच्छा शोरूम है। देखो ये है चंद्रा मौर्य ट्राकिज, जो अभी बंद हो चुका है, चंद्रा मौर्य टॉकीज सिनेमा हॉल। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घड़ी चौक, ना घड़ी चौक पहुंचने वाले, अभी पहुंचे नहीं है। गाइस यहीं से हमने बुलेट ली थी अपनी मस्त धनुरानी रॉयल एनफील्ड, ये शोरूम है उसका, और ये टाटा का शोरूम, और उधर एक और मारुति नेक्सा का शोरूम है। गाइस पहुंच चुके अपन दुर्ग वापस, और अब हम जा रहे घर, क्योंकि हमने बिलाई दो और सुपेला और पावर हाउस आपको पूरा घुमा दिया। ये देखो यहाँ पे आर्किटेक्ट मूर्तियाँ तैयार हो रही है, इस साइड का हो रहा है इस वॉल का, और यहाँ पे भी हो चुका है, ये देखो बहुत बढ़िया बढ़िया मस्त नज़ारे देखने मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ में आपको। और ये यहाँ का रेलवे वॉशिंग लाइन, वहाँ पे लगा है जेट नया वाला, वो देखो आपको दिखा होगा थोड़ा सा, पर अपन आपको किसी दिन दिखाएंगे अच्छे से, इसका भी एक वीडियो बना देंगे।